हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग बिजनेस एंड नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बारबडिंग शेड्यूल के बारे में कि बीबीएस सेक्शन जो है एक सिविल इंजीनियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एक साइट इंजीनियर होता है उसको काफ़ी स्किल्स सीखनी पड़ती है ताकि वो अपने करियर में ग्रोथ पा सके। उसके लिए उसको एस्टिमेशन, प्लानिंग वगैरह, ऑटोकैड, बारबडिंग शेड्यूल, काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ती है, तभी जाके वो बिलिंग सेक्शन तक बिलिंग इंजीनियर बन पाता है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम बीबीएस किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और बारबडिंग शेड्यूल के एडवांस सेक्शन में अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें बारबडिंग शेड्यूल में के एडवांस सेक्शन में सीखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम बारबडिंग शेड्यूल का एडवांस सेक्शन, जो कि सिविल गुरु जी के प्लेटफॉर्म में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है 3D विजुअलाइजेशन में, और काफ़ी तरीके की इसमें PDF फाइल्स भी प्रोवाइड कर रखी है। तो इसमें सबसे पहले, इससे पहले के वीडियोस में मैंने उसमें प्रेजेंट सॉरी बारबेंडिंग शेड्यूल के जो वीडियो लेक्चर है उसके बारे में बात की थी, और उसमें 3D विजुलाइजेशन के बारे में बता रखा है कि उसको कैसे आप 3D विजुलाइज कर सकते हैं। तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है, अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखना, देन इस पार्ट पे आना। तो इसमें एक्सेल शीट पे जो बारबेंडिंग शेड्यूल की कैलकुलेशन है उसको प्रोवाइड किया गया है, ताकि हम जो कि टोटल स्टील हमारा एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर में यूज़ होने वाला है उसका हम टोटल बिल ऑफ क्वांटिटी बना सकें, जो कि एक्सेल शीट से काफ़ी इजी हो जाता है एक सिविल इंजीनियर के लिए। इसीलिए हम बारबेंडिंग शेड्यूल के जो पार्ट को हम एक्सेल में इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हमको आगे बिल बनाने में काफ़ी आसानी रहे। तो इसमें सबसे पहले डेमो वीडियोज बता रखा है कि BBS एडवांस का जो इंट्रोडक्शन है उसको मैंशन किया गया है, देन स्टेरअप्स एंड टाइज, देन उसके बाद BBS ऑफ स्टेरअप्स इन एक्सेल, जो एक्सेल शीट में जो बारबेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्टेरअप्स को उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, देन बारबेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्टेरअप्स इन एक्सेल पार्ट टू बता रखा है, BBS ऑफ फुटिंग इन एक्सेल, उसके बाद BBS ऑफ कॉलम इन एक्सेल, BBS ऑफ बीम इन एक्सेल। हर एक पार्ट का आपको अलग अलग एक्सेल शीट में बताया जाएगा कि एक एक पार्ट को कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है। देन स्लैब का BBS होगा, उसका सर्कुलर स्लैब एंड इट्स एक्सेल, देन एडिशनल टॉपिक्स कुछ बताए जाएंगे जो उसमें कवर नहीं किए गए होंगे, लैपिंग लेंथ इन एक्सेल, जो लैपिंग लेंथ है उसको कैसे कैलकुलेट करना है और मेंशन करना है एक्सेल शीट पे। देन इसके बाद स्टेरअप्स एंड टाइज का पार्ट्स आएंगे, उसमें जो आपको उसके जो BBS है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है स्टेरअप्स एंड टाइज के पार्ट को, ये सारी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको वीडियो लेक्चर में बताए जाएंगे। देन उसके बाद फुटिंग है एक्सेल ऑफ BBS ऑफ फुटिंग, जो फुटिंग में जो BBS है उसको एक्सेल में कैसे इम्प्लीमेंट किया है वो इस सेक्शन में बताया गया है, और इसके बाद एक PDF फाइल भी आपको मेंशन कर रखी है जिसको आपको खुद प्रैक्टिस करके सॉल्व करना होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, और आपको कोर्स कम्प्लीट करने के बाद इसका एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आप लास्ट में देख सकते हैं। आपको 100% कोर्स कम्प्लीट करना पड़ेगा, देन आप एलिजिबल होंगे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। देन एक्सेल ऑफ BBS, इसमें पूरा एक्सेल ऑफ BBS ऑफ फुटिंग, एक्सेल ऑफ BBS ऑफ कॉलम, पूरे पूरे एक्सेल के पार्ट यहाँ पे कवर किए जाएंगे। यहाँ पे आप इसके PDF फाइल्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके आपको लिंक्स मिल जाएंगे अगर आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो। तो यही है कुछ एडवांस सेक्शन एक बार बर्निंग शेड्यूल का। इसके बाद जो है बिल ऑफ क्वान्टिटी बनाने में काफ़ी आसान हो जाती है, इसीलिए हम जो है बार बर्निंग शेड्यूल को एक्सेल शीट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर कुछ चेंजेस करने हो तो वो भी काफ़ी इजी तरीके से किए जा सकते हैं। तो यही था वीडियो फिलहाल बारबडिंग शेड्यूल के एडवांस सेक्शन में। अगर आपको कुछ इस इन टॉपिक्स में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अगर आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको इसका रिव्यू वीडियो दूंगा, इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास, सर्वेइंग है, आर्किटेक्चर है, जो जितने भी प्रकार के सॉफ्टवेयर एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के काम में आते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसका एक रिव्यू वीडियो बना दूंगा, अगर आपकी डिमांड होगी तो आप कमेंट करना, और व्हाट्सएप का लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। आइटम वाइज बिलिंग, बिलिंग वर्क कैसे करना है, और क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस कैसे निकालनी है, प्राइस एस्केलेशन कैसे होता है, सेलेब्रिटी के लिए बिल कैसे बनाना है, DPR रिपोर्ट कैसे बनानी है, और अलाउद्दीन के चिराग में कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। 3DS Max सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे कवर कर रखा है, आने वाली वीडियोस में सभी को कवर करूँगा, रिव्यू वीडियो बनाऊँगा कि आपको कौन से टॉपिक में कौन कौन से सब पार्ट्स सीखने के लिए मिलेंगे, और इसके बाद रिज्यूम कैसे प्रिपेयर करना है आपको एक्सेल, अगर आप एक्सेल आपको यूज़ करना नहीं आता, आप फ्रेशर हैं
तो आपको एक्सेल भी कर यूज़ करना सिखाया जाएगा। जॉब डिटेक्टिव, आपको जॉब कैसे सर्च करनी है फ्यूचर में, सारी चीज़ें। अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी टॉपिक में, मुझे मैसेज जरूर करना, मैं उस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। प्राइम अवीरा, स्टैड प्रो, MSP प्रोजेक्ट, ये सारे मेरे पास लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए हैं, क्योंकि मैंने स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर का कोर्स परचेज कर रखा है सिविल गुरु जी का, तो मैं लाइफ टाइम एक्सेस है, इसीलिए मैं आपको रिव्यू वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसके बाद हाईवे के टॉपिक्स हैं यहाँ पे, हाईवे की बिलिंग करनी है, और ये STO ट्रेनिंग का है कोर्स, MX रोड भी है, और उसके बाद जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में जो कोर्स करवाए जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसके भी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, SOM है, और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, देन टोटल स्टेशन को कैसे यूज़ करना है। तो थैंक यू दोस्तों, यही था फिलहाल वीडियो। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट जरूर करना मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।